बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में एक चतुर भिखारी रहता था। एक बार वो त्योहार के दिन सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला। उसे इस बात का विश्वास था कि आज उसे बहुत दान मिलेगा। उसने घर से निकलने के पहले अपनी झोली में थोड़े चावल डाल लिए थे, ताकि जब गांव वाले चावल देखें तो उन्हें ये लगे कि बाकी सब भिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें भी देनी चाहिए। जब वो रास्ते में आगे बढ़ रहा था तो उसे राजा का रथ आते हुए दिखाई दिया। ये देख वो अत्यंत खुश हुआ। उसने सोचा, क्यों ना आज राजा से भिक्षा मांग ली जाए। तभी अचानक राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। ये देख भिखारी को बहुत हैरानी हुई। उसे कभी भी राज दरबार से भीख नहीं मिली थी। जब भी वो महल के द्वार पर जाता तो द्वारपाल उसे वहां से भगा देते, मगर आज उसका भाग्य उदय हो गया था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। तभी राजा स्वयं ही उसके सामने आकर खड़े हुए और बोले कि मुझे तुमसे भिक्षा चाहिए। राजा की ये बात सुनकर भिखारी हैरान हो गया। राजा ने उस भिखारी से कहा कि आज देश पर बहुत संकट आया है, इसलिए ज्योतिषी ने कहा है कि संकट से बाहर निकलने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भिक्षा ग्रहण करके लूंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम मुझे सबसे पहले मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश पर जो संकट आया है वो टल नहीं पाएगा। तुम्हारा जो मन करे, कृपया मुझे भिक्षा में दे दो। भिखारी सोच में पड़ गया कि वो तो अपनी पूरी जिंदगी मांगता ही आया है, कुछ भी देने के लिए उसका हाथ आज तक उठा ही नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वो मना भी नहीं कर पा रहा है। उसने एक चावल का दाना उस राजा को दे दिया। राजा चावल का दाना लेकर अपने रथ पर बैठकर चला गया। सबने उस राजा को भर भर कर भिक्षा दी, पर उस भिखारी को तो बस एक चावल के दाने का गम सताने लगा। शाम होते ही भिखारी घर वापस आया। जब भिखारी की पत्नी ने उसकी झोली खोली तो उसे एक सोने के चावल का दाना नजर आया। वो ये देखकर हैरान रह गई। भिखारी की पत्नी ने जब सोने के चावल के दाने के बारे में पूछा तो वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात विस्तार में बताई और कहा कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जब हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस घटना के बाद भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और वो मेहनत से अपने परिवार का पेट पालने लगा। जिसने सदा दूसरे के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन बदल गए। जो लोग उससे दूर रहते थे अब वो उसके समीप आने लगे। दोस्तों, इस कथा का अर्थ है, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसे कभी कुछ पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।